राजाखेड़ा विधानसभा चुनाव को लेकर R9 भारत के संवाददाता मनोज राघव ने सीधे जनता से बात की है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में जनता किसके साथ है, किससे नाराज है और जनता पर चंबल लिफ्ट परियोजना का कितना प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमने आज बातचीत की है यहाँ की जनता से। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं मनोज राघव R9 भारत न्यूज चैनल से। मैं अभी गांव सोमली में पहुंचा हूं और यहां अपने बड़े बुजुर्ग से जानना चाहूंगा, जो अभी थोड़े ही 25 तारीख को यहां जो है विधानसभा के वोट पड़ेंगे। तो मैं यहां सोमली वासियों से जानकारी लेना चाहूंगा कि यहां अब की बार विकास के नाम पर वोट पड़ेगा या किसी व्यक्तिगत के अनुसार वोट पड़ेगा और किस पार्टी को कितना यहाँ मतदान होगा, वो मैं अभी आपको इनसे खुद ही बात करके जानना चाहूँगा। यहाँ के काफ़ी लोग एकत्रित हैं और इनसे मैं खुद रूबरू होऊंगा, यही अब बताएंगे कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या क्या रुझान है यहाँ बताएंगे अभी। ये कौन सा गांव है आपका? सोमली। क्या नाम है आपका? जल सिंह। आप अभी विधानसभा चुनाव हैं तो आप यहाँ जो क्षेत्र में दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं और कोई निर्दलीय हैं, तो यहाँ पार्टियों से दो कैंडिडेट हैं, तो आप अब की बार यहाँ विकास के नाम पे वोट डालोगे या जो है व्यक्तिगत किसी की जानकारी के अनुसार वोट डालोगे? तो हम तो विकास को डालेंगे और विकास ही करेगी BJP। कांग्रेस तो 50 साल से बहुत ज़्यादा कर रही है भाई साहब। कांग्रेस को, कांग्रेस ने आज तक कोई विकास नहीं किया क्या? अच्छा ना करो, नहरी जो की डरी है साहब। ये जो नहर की आप बात कर रहे हैं तो ये BJP शासन में इसको पास किया गया था, तो इस नहर का इस आपके क्षेत्र में कितना लॉस जा रहा है? कैसे भी लॉस, खेती बंजर डरी है, खेती बंजर पड़ी है, पीवे के लिए पानी ना आने तो। तो यहाँ के इन लोगों को बताया गया है कि जो पिछली सरकार ने यहाँ जो नहर सुकृत की थी तो उसको आज तक उसमें नहर में पानी नहीं आ सका, तो ये लोग यहाँ नाराज हैं और इनको उसका काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो अभी ये भी बताएंगे, आपका क्या नाम है? बात कर लो। क्या नाम है आपका? श्री राम। तो अब की बार आप विकास के नाम पे वोट डालोगे या किसी की व्यक्तिगत को जानकारी के नाम पर? विकास के नाम पर। किसने, किस पार्टी ने यहाँ कितना विकास किया है भैया? इतने का नाम जानते हो? बात मैंने कह दी, बात इतने का जानते हो। अब की बार आप किस पार्टी को, अब की बार नहीं नहीं अब की बार आप ये तो बता सकते हो, अब की बार आप किस पार्टी को वोट करोगे? BJP। अब मैं बाबा जी से बात करूंगा, काफ़ी उम्र दराज अपने बाबा जी हैं, ये बताएंगे कि यहाँ अब की बार किसकी कितनी लहर है और आप किस पार्टी को वोटिंग करोगे? शेर लहर हमारी है ये झारखंड, तो BJP की, और BJP करेंगे और जो मत जाएंगे हम सौ भाई करेंगे। कांग्रेस से इतनी नाराजगी क्यों है? कांग्रेस का जो विकास हो रहा है उससे आप पूरी तरह नाराज हो? नाराज। चलो बाबा जी बता रहे हैं कि जो यहाँ कांग्रेस का विकास है उससे ये पूरी तरह नाराज हैं, बता रहे हैं कि वो व्यक्तिगत सकल को देख करके जो है यहाँ विकास किया जा रहा है वो बता रहे हैं। आप बताइए किस पार्टी को वोट करोगे? हमें BJP को। क्यों, ऐसी क्या खासियत है BJP को वोटिंग करो? BJP को हमारे जिंदगी दवा हो रहा, आज तक ना दो ही ना कबूँ परवा। और मैं अभी इनको पूछना चाहूँगा कि यहाँ जो अभी आपकी जो फसल है, तो यदि यहाँ नहर चालू होती तो आपको कितना इस फसल में फायदा होता? अरे सभी फायदा होता साहब, हाँ हरी भरी खेती होती तो हमें नुकसान नहीं होते, सब सूखे पड़े हैं, आदमी को पीने के लिए पानी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस नहर को रोकने में किसका हाथ है? कांग्रेस का हाथ है पूरा पूरा, अशोक गहलोत का। अभी ये बता रहे हैं कि इस नहर को रोकने में पूरा हाथ है, तो वो यह कांग्रेस को आरोपित बता रहे हैं। और मैं ये अपने नौजवान भाई हैं और इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि अब की बार नौजवान का रुख किधर रहेगा? BJP में। ऐसी क्या खासियत है कि BJP को ही आप ज्यादातर बिलोंग कर रहे हैं? पानी मर जा रहे प्यासे,
ये इनकी सबसे बड़ी नाराजगी जो यहाँ ये व्यक्त कर रहे हैं, तो जल यानी यहाँ जो पानी की व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, तो अभी जो सरकार गुजर रही है इसने यहाँ के कोई पानी की व्यवस्था को, खेती की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। और मैं इनसे बात करना चाहूँगा, ये भी बताएंगे कि अब की बार ये किस पार्टी को वोटिंग करेंगे? बीजेपी को। आप में से इतने लोगों में से कोई कांग्रेस को वोटिंग नहीं करेगा? कांग्रेस का क्या करेंगे, इसमें क्या है, रोड भी नहीं बनाए हैं और नहर की भी नहीं करी है, पानी पानी की वो सुविधा कोई है ही नहीं, और जाते हैं तो पुलिस में पकड़वाते हैं, पटा दबाते हैं, फिर राजीनामा करवा देते हैं यहाँ के विधायक कांग्रेस के, तो क्यों करेंगे यहाँ के? तो ये जो लोग हैं यहाँ ज़्यादातर लोगों की नाराज़गी है तो पानी को लेकर है, और जो अंदरूनी है वो यहाँ बता रहे हैं कि जो आपस की लड़ाइयाँ करवाते हैं और बैठ करके फिर बाद में राजीनामा करवाते हैं, तो ये पूरी तरह यहाँ सोमली गांव के लोग ज़्यादातर जो है बीजेपी के लिए वोटिंग की कह रहे हैं। मैंने इनसे स्वयं बात की है तो ये कांग्रेस से काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। और आप बताएंगे अब की बार कहाँ वोटिंग करोगे? कांग्रेस में। क्या कारण है कि आपके गांव में जो दिखाई दे रहे हैं तो ज़्यादातर लोग तो बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या कारण है कि आप कांग्रेस में करोगे? अरे हम तो जाते हैं तो हमारी सुनाई होती है। आप आपकी यहाँ सारी चीज़ सुनाई देती है, होती है सुनाई। आपको यहाँ आपकी खेती में कोई नहर की वजह से कोई नुकसान नहीं है? ट्यूबवेल काफ़ी लगे हैं हमारे खेतों में, ट्यूबवेल काफ़ी लगे हैं। ट्यूबवेल हैं इनके पास और इनको अपने गांव में इतने नुकसान नहीं है, तो ये बता रहे हैं कि हम तो कांग्रेस को ही वोटिंग करेंगे। और आप बताइए बीजेपी को क्या कारण है? कारण जी साहब जी, मैंने तो कह लिया मोड़े आवत है, माई मोटा साइकिल बुरी है गई, दफ्ते छोड़े के बाजी हुए, मैंने जो की जाए भाई साहब वो आए पहले बिंदु कोई भाई साहब गोला को समारो तो दफ्ते के जय ले रहा है, मैं नहीं करता है बाजी का साहब, हम तो बताओ हम तो नाराज है। किससे नाराज हो आप? या गोला पे नाराज किस से आप? अब तो यहाँ पर फांटी थे, हमें तो बाकी हम तो दोनों औरत हम तो बीजी देखे और रखे। हाँ हाँ बाबा जी आप, और आप बताइए कि अब की बार आप बताइए कि आपके क्या रुझान है? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। क्या कारण है कि कांग्रेस? कारण है पानी हम पे फुल, हम नहर फेरे का भी ना चाहता, क्योंकि मैं जाए चार चार ट्यूबवेल लगे हम पे। मैं अभी बात करना चाहूँगा, अपने बाबा जी हैं और खेतों पर सिंचाई कर रहे हैं, सरसों में पानी लगा रहे हैं, मैं इनसे इनके गांव के बारे में पूछना चाहूँगा। कौन सा गांव बाबा जी आपका? माजी थोबरा है। बाबा जी अभी विधानसभा चुनाव हैं और यहां आपके गांव में आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी आगे रहेगी कौन सी पीछे रहेगी? हमारे गांव में तो कांग्रेस आगे रहेगी। बच्चुआपुरा गांव में बता रहे हैं कि कांग्रेस आगे रहेगी। और बीजेपी का वोट कितना है आपके गाँव में? 1/3। और जो आपके क्षेत्र में अभी देखा जा रहा है कि सिंचाई के मामले में जो पहले बीजेपी शासन में यहाँ नहर स्वीकृत हुई थी, तो उसका नहर का श्रेय बंद होना आप किसको देना चाहोगे? अरे साहब जी नहर चालू है यही तो कोई बात ही नहीं है, कैसा हालत है चंद जी और कोई सुनाई ना। हाँ एम एल ए वही है यहाँ वोट को और आगे दे तो ना और एम एल ए लाए गई ना। नहीं तो अब मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये नहर अब तक चालू नहीं हुई तो ये किसने नहीं होने दी? अजी तो साहब ईसु जान नेता जान है वह महका माल को ना होने रहो। यदि यह नहर चालू होती तो आपके क्षेत्र में कितना कितना यह खेती का कितना नुकसान रहता या फायदा रहती आपके क्षेत्र को? फायदा ही रहती, अन्य समझ लो कि 12 नंबर पर फायदा रहती, 4 नंबर फसल कर पावत हैं इतनी तो ज़्यादा ना कर पावत, सारी आधी खेती बंजर डरी आधी तो ज़्यादा कछु गंजा खा जाते हैं कछु बंजार रह जाते। ठीक है मैं अभी जो सिंचाई कर रहे हैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आपका गांव कौन सा है? सोमली। तो आपके यहाँ जो सिंचाई नहर का कितना बड़ा फर्क पड़ेगा वोटिंग पर? बहुत पड़ेगा, नहर को से भी फर्क पड़ेगा। तो यह नहर अब तक चालू किसने नहीं होने दी? जिन हमारे में कौन ना होने दिया तक हम नेतागिरी जानते ना कौन ना होने दी, पर बीजेपी की सरकार आ जाए तो नहर चालू हो सकती है। अच्छा आपको यह लग रहा है कि अगर बीजेपी की शासन आता है तो यह नहर चालू हो जाएगी? हाँ
और नहरे तो यहाँ से किसान हुए पानी की बूंदा ना रही नीचे पानी है तो ना। आप ये सिंचाई कर रहे हो या कितनी दूरी से जो आप पानी लेकर के आ रहे हो? 1.5 किलोमीटर थे, 2 किलोमीटर थे। तो आपका ये सारा क्षेत्र जो है जल बिन प्यासा है? हाँ बिल्कुल ख़त्म है, प्यासा का होती है किसान ख़त्म है वो। तो यह जो अभी सरकार है यहाँ पे, इसने किसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा? और जी तो तुम्हारा किसान नहीं मालूम है, किसान है तो और उनके गाड़ रहे का पानी का कोई साधन होता तो किसान बचे को। हाँ ननिम पानी डाल रहे पिंकू बाबू तो ननिमे पानी की तो चंद का धार ना आइए तो चौमास में बोलड़ी में पानी ना आयो। अच्छा अभी जो है नहर के बारे में आप बता रहे थे कि जो इधर पानी डाल रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी अगर पानी है जाए तो सेहत ही बढ़िया है जाए। अब ऐसा कोई नेता होते पानी हुए और नेता को इतना हमारे यहाँ बीजेपी को कोई ऐसा ढंग ऐसा नेता ही ना तो कुछ होती जीते। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि नेता तो जनता को ही चुनना पड़ता है। जनता का अगर है तो यूँ कहते जी काम ही ना करना भी चाहती भी देर आई जाते जनता के जाते तो प्राण बचे रहेंगे हमारे रेत तो रेत तो प्राण बचे जाएंगे और जो रेतु बंद है जाओ। रेत को कौन चलवाता है? रेत जी कप्तान चला तो और को चला रहा वही चला रहे। ये जो अवैध खनन के बारे में बता रहे हैं बाबा, तो ये बताएंगे कि यहाँ सारा जो रेत का जो धंधा है चंबल से, वह इसके बारे में बताएंगे कि यह इनके बगैर यहाँ नहीं चलता है? अरे कुछ सवाल ही ना मैंने के बगैर चल को तो कहीं ना पकड़ जाए इसका ट्रैक्टर भाई और पकड़ जाते तो भाई छुड़ावा दें क्या भाई वोट भर रहे हैं। यहाँ का जो पूरा क्षेत्र है वो रेत के ऊपर ही निर्भर है क्या? हाँ इनको हमारे यहाँ को निर्भर ना है जी बताइए जी और गांव में नीचे के जैसे का रेत कछियार हो है जैसे का रेत निर्भर है हमारे यहाँ तो बीजेपी हाथ जाते कछियार जिता देते हमारे यहाँ तो कमाऊ जीत कर आ गई रेत तो ढोए रहे हैं ते बालंग हराए लेते और यहाँ तो हम दे दें तो हम तो आम है पुराना तो जिता लेते बालंग हाथ जाते तो बीजेपी भाई को हम करें का भी चाहे। ठीक है साहब।